ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं SST का टेस्ट पेपर नंबर 23। दोस्तों आपसे भी कहना चाहूँगा कि कभी भी अपनी मंजिल को पाने के लिए पीछे मत हटना। आप अपने जो है हौसले के साथ अपनी तैयारी को निरंतर रूप से बनाए रखें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा टेस्ट पेपर का, वो रहेगा आज़ादी के बाद भारत, यानी कि राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था उसको लेकर ये टेस्ट पेपर रहने वाला है आज का। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, रियासती विभाग के अनुसार कौन सी रियासतें अपना अलग अस्तित्व बनाए रख सकती थी? ये आपका पहला सवाल है। ऑप्शन है जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, बी ऑप्शन है आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, उपरोक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त दोनों ए और बी जो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से जिन रियासतों की जनसंख्या अधिक होगी और उनकी आय 1 करोड़ रुपए से अधिक होगी, वही रियासतें अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व अलग से बना सकती है। ये उस समय की जो है एक शर्त रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको 5 सेकेंड का जो है समय दिया जाएगा, उसके बाद जो है मैं राइट आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मेवाड़ रियासत, जो मेवाड़ महाराणा थे उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ें। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि कोठा महाराव जो थे उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों आपको बीच में 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप अच्छे से ऑप्शन जो है देखकर अपना आंसर चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे द्वारा जो राइट आंसर बोला जाता है उसको अपने आंसर से मिलान कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, चार ऑप्शन दे रखे आपको नीचे, उनको ध्यान से देखें। तो इसमें चौथे का जो राइट होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि डूंगरपुर महारावल जो थे उन्होंने बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। नेक्स्ट अगला, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में पूरा होता है? ये दोस्तों सभी को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। राजस्थान संघ का जो है 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 1 चीफशिप और कितने ठिकाने थे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उस समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, इजी सवाल है, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान के ठिकानों में, राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकानों में से कौन सा ठिकाना इनमें से नहीं था? तो आपको तीनों ठिकाने के नाम पता होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये सवाल हो जाएगा आपका राइट। तो उसमें निमराणा, कुशलगढ़, लावा, निमूचना। तो दोस्तों जो इसका राइट होगा आंसर, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि निमूचना जो था वो ठिकाने नहीं थे, उसमें ठिकानों की गिनती में नहीं था, क्योंकि उस समय 3 ठिकाने थे, निमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर, सबसे पहले चरण का नाम किसके सुझाव पर मत्स्य संघ रखा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो मित्रों इसमें राइट हो जाएगा आपका 8वें का बी ऑप्शन, के एम मुंशी के सुझाव पर जो है मत्स्य संघ का नाम रखा गया पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर, राजस्थान के एकीकरण में महाराज प्रमुख नाम का नया पद किस चरण में सृजित किया गया?
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किस चरण में महाराज प्रमुख नाम का जो है पद था उसका सर्जन किया गया था। तो 9वें का दोस्तों राइट होगा डी ऑप्शन, चौथे चरण से। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखें। और दोस्तों आपको मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ, जिन टेस्ट पेपर को आप कर रहे हैं उस टॉपिक को आप पहले बुक में से अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद इन टेस्ट पेपर को करें तो निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो मैंने कहा आपने सुना, समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को बुक में से अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है अजमेर, मेरवाड़ा, अलवर, नीमूचना, भैसरोड़गढ़। तो जो आपका राइट होगा दोस्तों इसमें 10वें में, वो हो जाएगा ये ऑप्शन, अजमेर मेरवाड़ा जो था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्षेत्रफल में राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। चार ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को अच्छे से देखें। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 11वें जो क्वेश्चन है इसमें क्षेत्रफल में राजस्थान की सबसे जो बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर रियासत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे छोटी रियासत जो थी वो थी शाहपुरा रियासत, ए ऑप्शन 12वें का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी। ऑप्शन दे रखे आपको चार, आप अच्छे से ऑप्शन को देखें और राइट आंसर को चुनें। तो इसमें 13वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा आपका मेवाड़ रियासत जो थी वो राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे नई रियासत कौन सी थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन दे रखे आपको, अच्छे से ऑप्शन को समझे देखें और आंसर चुने। तो इसमें आपका राइट होगा दोस्तों डी ऑप्शन, झालावाड़ रियासत जो थी वो राजस्थान की सबसे नवीन और नई रियासत बनी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। दोस्तों इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है ये बताना है। मत्स्य संघ जो है 18 मार्च 1948 को बना, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 25 अप्रैल 1949, वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि जो इधर चरणों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है उसके बनने की तारीख दे रखी है, तो उनमें से कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें राइट होगा आपका जो सी ऑप्शन है वो असुमेलित है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान जो है वो 18 अप्रैल 1948 को बना था। ठीक है, यहाँ पे 25 अप्रैल 1949 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये असुमेलित है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 अप्रैल। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। इसमें भी आपको एक तरफ चरणों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी तारीखें दे रखी है। सबसे पहला है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949, राजस्थान 26 जनवरी 1949, राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान निर्माण संपूर्ण 1 नवंबर 1956। तो इसमें आपको असुमेलित का चयन करना है। तो दोस्तों जो 16वां क्वेश्चन है उसमें आपका राइट होगा बी ऑप्शन, यानी कि जो राजस्थान है वो 26 जनवरी 1949 को नहीं बल्कि 26 जनवरी 1950 के रूप में सामने आया था राजस्थान जो बना था। ठीक है, यहाँ पे 1949 की जगह हो जाएगा आपका 1950। ठीक है, यही यहाँ पे असुमेलित है, बाकी ये सही है। और दूसरे जो तीन ऑप्शन दे रखे वो तीनों सुमेलित हैं और सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर, राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से देखें। तो दोस्तों 17वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा एनवी गॉडगिल जो थे वो राजस्थान मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता के रूप में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
मत्स्य संघ कौन कौन सी रियासतों व ठिकानों को मिलाकर बनाया गया। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप जरूर ध्यान से समझें इनको। तो 18वें का जो है आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको देखें पढ़ें और आंसर चूज करें कि कौन सा आंसर राइट होगा आपका। तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा निमराना ठिकाने को जो है मिलाकर मत्स्य संघ बना था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दोशान। तो दोस्तों 19वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अलवर को जो है मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो दोस्तों 20वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शोभा राम कुमावत को जो है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे, इनको पढ़े उसके बाद राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों 21वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा उदय भान सिंह जो थे वो मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 22 नंबर, राजस्थान संघ में कौन सी रियासत नहीं थी? आपको बताना है कि राजस्थान संघ जो बना था उसमें कौन सी रियासतें नहीं थी। ऑप्शन आपके सामने दे रखे, चार ऑप्शन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक रियासत और डी दे रखा है उदयपुर, मेवाड़। तो दोस्तों इसमें जो राइट होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उदयपुर और मेवाड़ रियासत जो थी राजस्थान संघ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो थी कोटा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था ये आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे आपको, राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था? चार ऑप्शन है आपके साथ। तो दोस्तों सी का, सॉरी 24 का जो राइट होगा वो हो जाएगा सी, भीम सिंह जो थे राजस्थान संघ के राज प्रमुख बने थे। ठीक है, अगला लेते हैं। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन दे रखे आपके पास और आपको अच्छे से इनको पढ़ के बताना है कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों 25वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा गोकुल लाल जो असावा थे वो राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? चार ऑप्शन दे रखे आपको बताना है, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप अच्छे से सोच के इसमें से आंसर चूज करें। तो दोस्तों राइट होगा आपका कि राजस्थान संघ के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे एनवी गॉडगिल, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था? तो आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। मत्स्य संघ में मेवाड़ को, मत्स्य संघ में जयपुर को, मत्स्य संघ में उदयपुर रियासत को और मत्स्य संघ में राजस्थान को। तो 27वें का जो राइट होगा दोस्तों वो होगा आपका राजस्थान संघ में जो है उदयपुर रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया था, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अच्छे से मन लगा के पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों और टॉपिक को पहले किताब में से जरूर पढ़ के ये टेस्ट पेपर करें, अच्छा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है 28, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एनवी गॉडगिल, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 28वें के जो ऑप्शन दे रखे तो राइट होगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू जो थे संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28, 29 नंबर, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? चार ऑप्शन दे रखे आपको। तो 29वें का जो राइट होगा दोस्तों वो होगा
डी ऑप्शन, भोपाल सिंह जो थे संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला लेते हैं, संयुक्त राजस्थान का उप राज प्रमुख कौन था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का उप राज प्रमुख कौन था। ऑप्शन दे रखे आपको चारों ऑप्शन, इसमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है दोस्तों। तीसरे का जो राइट होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राजस्थान का जो उप राज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान का एकीकरण है उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, क्योंकि जो भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसमें मैंने सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देखें। तो इसमें 31वें का जो राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, माणिक्यलाल वर्मा जो थे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर, वृहद राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया है वो बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ें, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, उसके बाद अपना आंसर चुनें कि ये ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों 32वें का जो राइट होगा ऑप्शन वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाया गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, वृहद राजस्थान की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए कोटा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो वृहद राजस्थान की राजधानी बतानी है आपको कौन सी थी, तो इसमें 33वें का जो राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा जयपुर, जो थी वृहद राजस्थान की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं मित्रों, अच्छे से देखें और अपना आंसर चुने। 34वें का राइट होगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन राइट है, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। नेक्स्ट अगला 35 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, वृहद राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था। ऑप्शन आपके सामने है चारों, अच्छे से देखें इनको और अपना आंसर चुनें। तो 35वें का राइट होगा दोस्तों सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो थे वृहद राजस्थान के उद्घाटन करता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख कौन था। ऑप्शन मान सिंह, उदयवान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह। तो 36वें का दोस्तों राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मान सिंह जो थे वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बने थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर बना था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर बना था। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों 37वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बृहत्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर जो है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बनाया गया था, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 38वें का जो राइट होगा दोस्तों, आप पहले इन ऑप्शन को पढ़ें अच्छे से, 2 सेकंड का समय आपके पास, और ध्यान से पहले इन जो ऑप्शन है उसमें नज़र रखें। तो दोस्तों 38वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि शंकर देव राय समिति के जो है सुझाव पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर, राजस्थान के 6वें चरण में किस रियासत को मिलाया गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, राजस्थान के 6वें चरण में किस रियासत को मिलाया गया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे आपके सामने, इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन, आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर से सिरई को राजस्थान के 6वें चरण में मिलाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 40,
छठवें चरण में राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए श्रेणी का, बी श्रेणी का, सी श्रेणी का या डी श्रेणी का? तो दोस्तों 40वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा बी श्रेणी का था, छठवें चरण में राजस्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं। आबू दिलवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में किस चरण में मिलाया गया? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आबू दिलवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में किस चरण में मिलाया गया? चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको राइट आंसर चुनना है। तो 41वें में जो राइट होगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 7वें चरण में जो है आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 42 नंबर। सुनील थप्पा को राजस्थान में तथा सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में किस चरण में मिलाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और परीक्षा में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है कि सुनील थप्पा को राजस्थान में तथा सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में किस चरण में मिलाया गया? तो इनका जरूर ध्यान रखें आप, इसका राइट होगा 7वें चरण में, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे बात करते हैं 43 नंबर। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ? ये भी अच्छा है क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि राज्यपाल का जो पद था वो कब सृजित हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको अच्छे से देखें पढ़ें उसके बाद अपना आंसर चुनें। तो 43 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान में राज्यपाल का पद सृजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर, दौसा, बारा, सवाई माधोपुर। तो इसमें राइट होगा ए ऑप्शन आपका अजमेर, जो 1 नवंबर 1956 को बना था राजस्थान का 26वां जिला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का जो टेस्ट पेपर था बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही धैर्य के साथ पूरा किया है। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जिस टॉपिक का टेस्ट पेपर दे रहे हैं उससे संबंधित मैटर जो है बुक में से या किसी भी गाइड में से अच्छे से पढ़ें और समझें, उसके बाद ये टेस्ट पेपर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आज जो भी क्वेश्चन लिए हैं इसमें वो सभी जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी सवाल ऐसे ही आपने फालतू के इसमें इंक्लूड किए हैं। सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो बिना आपको टाइम गवाए इनको जो है रिवीजन करते रहना है और अपने जो बुक है उसमें से भी पढ़ते रहना है। और दोस्तों यदि आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, जो भी अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं या कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो हमारी रीट SST को लेकर जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है RSC बुक्स की, तो वो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।